नहीं, बेसिकली जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उसमें जीएन साई बाबा का केस स्पेशल है, क्योंकि वो दिव्यांग भी आपने जैसे कहा, और लगातार पिछले कई सालों से वो जेल में हैं, और उनको हाई कोर्ट से बेल भी मिली लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको होल्ड कर दिया गया, और उसी के ऊपर ही आज पब्लिक मीटिंग है, और इस पब्लिक मीटिंग में देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है, कि कैसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह रहेंगे यहाँ पर आज, और मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी, पत्रकार, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो आज इकट्ठा हो रहे हैं। देखो, जो राष्ट्रपति जी का भाषण था उसमें उन्होंने जिक्र भी किया, और अगर हम जेलों में देखें भी तो राजनीतिक कैदियों के अलावा आदिवासी और दलित, ये इनकी एक बड़ी संख्या है। और राजनीतिक कैदियों की जो सवाल है वो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आज उसी के ऊपर ही ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें तो यही है कि जिस देश के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और एक एक हिसाब से वो तबका जो समाज को कोई दिशा दे रहा होता है वो जेलों में होगा, तो उस देश का क्या ही हो सकता है। और ये सारे वो लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जीएन साई बाबा एक टाइम तक जो किसान आंदोलन हुए, चाहे वो जिस टाइम पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे उनके नाम पे भी उनकी चिट्ठी मैंने पिछले दिनों देखी, तो वो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट करते थे। इवन जो डंकल प्रस्ताव था और उसके जो 1995-96 के बाद के जो आंदोलन रहे देश के किसानों के हों या फिर दूसरे नागरिक समाज के आंदोलन हों, मजदूरों के हों, उसमें वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहे हैं, किसान संगठनों या मजदूर संगठनों को इकट्ठा करना और आगे की प्रक्रिया बताना, तो वो उस किस्म की भूमिका में रहे हैं उस, और एक बौद्धिक आदमी तो थे ही, वो पढ़ाते थे। नहीं, ये तो अब उनका सोचना है, राइट विंग जो आरएसएस है उनका सोचना है कि ये देश को या समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब सवाल पूछना और सरकार या जो मौके की सत्ता उससे सवाल पूछना या फिर उसके कार्य, जो उसकी कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल उठाना, कोई मुझे लगता है कि देश तोड़ने जैसी कोई गतिविधि नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सड़कों पर जो लोग हैं वो लगातार आते जाते रहें, आंदोलन प्रदर्शन होते रहें, तभी एक मतलब खाली जो लोकतंत्र है वो चुनाव प्रक्रिया नहीं है, उसके इतर जो प्रतिरोध है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है लोकतंत्र में। और साथ में मतलब जो सरकार या जो सत्ता पक्ष होती है वो जो कुछ कर रही होती है उसके ऊपर उंगली उठाना, देश के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो है ही, न्याय प्रक्रिया के ऊपर तो सवाल ही है। मतलब बार बार ये भी कहा जाता है कि कई बार हम न्याय व्यवस्था के ऊपर तो बहुत बार उंगली उठती है, कई बार तो ये भी बोला जाता है कि जो इसकी प्रक्रिया है न्याय पाने की वो इटसेल्फ एक सजा है, वो सजा से कम नहीं है। मतलब आप देखिए कि यूएपीए के जितने भी केसेज हैं उनमें 2-3 साल तक बेल नहीं होती है, और जो सीएनआरसी के दौरान उमर खालिद से लेकर तमाम जो आप स्टूडेंट लीडर्स का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी जेलों में हैं, और 6-7 केस लगा रखे हैं, बहुत सारे मामलों में उनको जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर सुनवाई नहीं होती, शुरू होती 6 महीने तो, और उसके बाद जब सुनवाई शुरू होती है तो 2-3 साल कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो उनको जमानत देने में लगाता है। तो 3 साल तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, तो इट मीन्स जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक सजा जितनी है, और उसमें ये स्टूडेंट लीडर हों या फिर जो बुद्धिजीवी प्रोफेसर, ये सारे ही हैं। मतलब सीएनआर पहले भीमा कोरेगांव था, भीमा कोरेगांव के नाम पर बुद्धिजीवियों की 2018 में गिरफ्तारी होती है, सीएनआरसी के नाम पर 2020 में गिरफ्तारी होती है, तो ये एक पूरा सिलसिला। इससे पहले भी मतलब 2013-2011 बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जो कि जिन लोगों को कैद किया गया वो राजनीतिक कैदी हैं और अभी तक जेलों में है। तो राजनीतिक कैदियों के कुछ हक होते हैं, और आप उनको मतलब कई बार इसके ऊपर बहस भी हुई है कि क्या देशद्रोह के कानून की कोई अभी बची है, उसकी कोई ज़रूरत है देश में, और कई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसका इस्तेमाल होता है, वो छात्रों पर होता है, प्रोफेसरों पर, बुद्धिजीवियों पर नहीं। वो तो है, मतलब क्योंकि वो रूलिंग क्लास लीडर हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, तो उनको तो तमाम सुविधा पहुंचेंगे ही, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जेल का एडमिनिस्ट्रेशन वो तो उनकी सरकार के नीचे है। तो सत्ताधारी पार्टी के
जो लोग होते हैं वो तो मौज काटते हैं, चाहे गैंगस्टर हों चाहे नेता हों, वो तो हम देखते ही हैं कि गैंगस्टरों की भी मौज रहती है, उनके पास भी फोन होते हैं। वो तो बात आती है बेसिक सुविधाओं की, कप्पन सिद्दीकी का इलाज आप देखिए कैसे करवाया गया, उनको बेल से बेड, जब उनको वो बीमार हुए तो उनका इलाज के दौरान एक सड़े से अस्पताल में उनको बेड पे उनकी बेल से बांध दिया गया। ऐसे ही आप जी एन साई बाबा केस दिए, 90% उनकी बॉडी काम नहीं करती है। वरवर राव को भी कितना परेशान किया गया, इवन अगर हाँ प्रोफेशन इवन मतलब आप स्टेन स्वामी का केस देखिए तो वो जेल के अंदर मरी गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया है वो अपने आप में सजा है। जैन साहब की तो मालिश हो रही है बड़े कायदे से। नहीं वो मैं कह ही रहा हूँ कि एक तो राजनीतिक कैदी है वो तो जेल में मर जा रहे हैं, हाँ, और मतलब जो कि इस समाज के बुद्धिजीवी तबका है, पढ़ाने लिखाने वाला तबका है, प्रोफेसर तबका है, वो तो जेल में ही मर जा रहा है उस प्रक्रिया की वजह से। और वो तो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके नजदीक रहने वाले लोग, मालिश भी पा रहे हैं, मौज भी काट रहे हैं, फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो होता ही है, जेलों में आप देखोगे तो जेलों में जो CCTV वगैरह ये सब तो होते हैं, बाकी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात कर पाऊंगा। नहीं वो तो देखो मैं कह ही रहा हूँ कि जो भारतीय जेलें हैं उनका एक अपना कैरेक्टर है, और उसमें जो उस प्रक्रिया की जो भेंट चढ़ते हैं ज़्यादातर SC ST OBC ही समाज के ही लोग हैं। और जो बड़े बड़े अभी आप ये देखिए कि BJP की पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए लेकिन वो बाहर हैं। कपिल मिश्रा जिसने भीड़ को भड़काया CNRC के जो दिल्ली में जो और वो बिल्कुल ये कहते हैं कि गोली मारो सालों को, या फिर जाम खुलवाने के नाम पे जैसे उन्होंने हमले करवाए और एक समुदाय को जो लगातार टारगेट करते रहते हैं, तो वो तो दिखता ही है। वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारा स्थापित काम और कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, वो जेलों के अंदर हैं, चाहे उमर खालिद हो, साईं बाबा हो, कितनी नहीं। उसमें तो इतना ही है कि भाई जो प्रक्रिया है वो सजा ना बने, उसका उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी हों। इससे पहले भी PUCL जैसी संस्थाओं ने काम किया है और जो और भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं इस पर काम कर रही हैं, पर मुझे लगता है कि इस पे सीरियसली भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर जो न्याय प्रक्रिया है उसके उसमें उससे जुड़े लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि जो प्रक्रिया है वो सजा ना बने लोगों की। बात ठीक हो सकती है लेकिन वो जमीन पर या फिर संस्थाओं पे लागू कैसे होगी वो एक मामला है ना। क्या उस बातचीत को लागू करके और उस पर मतलब कोई एक्शन, हाँ बिल्कुल वो मामला है, अगर वो होना ही चाहिए।